कोलन, सेकंड 22। आपने तीन बोले थे, आप तो चार बोलने वाले। और है बस, और बता, 14th के आगे और कोई डाउट नहीं है? 14th के आगे बेटी का इसको क्या भी डाउट हुए? अच्छा चलो ठीक है, 14th में किसी और को कोई डाउट? ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कैश्ड अ चेक इंपॉर्टेंट है, कैश्ड अ चेक फॉर 15,000 एंड पेड सैलरीज फॉर द, कुछ बच्चे तो यहाँ तक पहुंचे ही नहीं होंगे, मतलब दम तोड़ देते ना रास्ते में। सर 7 करे, 10 करे, बहुत है, सारे करेंगे आप? एक ही क्वेश्चन है, मतलब ये अगर ट्रांजैक्शन किसी भी क्वेश्चन में आ सकती है ना, हिल जाओगे, नहीं कर रखी तो हिल जाओगे नया वर्ड पढ़ते ही। कैश द चेक, काम बड़ा सिंपल सा है, बैंक में से कैश विड्रॉ करें, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक है ये। कैश द चेक मतलब कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सिंपल। और उसके बाद एक अलग कहानी है, सैलरीज पेड। तो ध्यान से देखना, दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस हैं। पहली ट्रांजैक्शन क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, तो वो एक कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी, कैश टू बैंक 15,000। फिर उसके बाद सैलरीज पे कर दी, सैलरीज टू कैश 12,500। तो चीजें मुश्किल नहीं होती, डिफरेंट होती है। फर्स्ट टाइम ही डिफरेंट होगी ना, दो सेपरेट ट्रांजैक्शंस पास होंगे, दो सेपरेट ट्रांजैक्शन। अच्छा ना 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 ना, पेड फरवरी की सैलरी मार्च में ही पे होती है, मार्च की सैलरी अप्रैल में ही पे होती है, ठीक है ना? सैलरीज टू कैश ही है ये, फरवरी की सैलरी मार्च को पे, दूसरी तारीख को तो दे दी, पिछले महीने की सैलरी मिलती है, ठीक है ना? सर आप तो एडवांस ले रहे हो, सैलरी का अलग सीन होता है, ठीक है ना? सैलरी अलग है, क्लियर? नहीं, नहीं, यही एंट्री है। कैश द चेक मतलब, कैश द चेक मतलब कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, अपने ही सेल्फ चेक, सेल्फ एक होता है ना, सेल्फ लिख के अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ करें। मेरे पास चेकबुक, मैं गया बैंक, उस पर लिखा सेल्फ कि मेरे अकाउंट से पैसे मैंने खुद विड्रॉ कर लिए, तो ये कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक ही है। लिख दूं? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर फॉर ऑफिस यूज, ठीक है? 22nd बैंक नोटिफाइज, ओए होए होए, संजय, संजय ने चेक दिया, संजय का चेक हो गया डिसऑनर। कितने का चेक था? 8,000 रुपये का सामान था, रिटर्न 500, तो 7,500 इसमें कुछ दिया हुआ है मैं, यही है ना? तो फिर चेक रहा होगा 7,500 का, ठीक है ना? 8,000 का सामान था, 500 के रिटर्न है, संजय का चेक हो गया डिसऑनर एंड द बैंक डेबिटेड 20 रुपीज एज चार्जेस। अब ये पैसे आप संजय से रिकवर कर सकते हो, देखते हैं इन्होंने करे कि नहीं करे। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, अब इन्होंने रूल अप्लाई करा कि नहीं करा वो देख लेते हैं। 22nd कर लिया, बड़ी खुशी की बात है, डीके को ये लोगी, वरना टीएस लेवल तो ऐसे छोटे मोटे रूल्स इग्नोर कर देता है। रूल पता है क्या होता है? कि आपने मुझे पेमेंट करी, आपका चेक बाउंस हो गया, आपकी गलती है ना, आपने मुझे 7,500 का चेक दिया, अब वो चेक बाउंस हो गया, रूल है वो, रूल है। अब थियोरेटिकली कुछ भी होता है, थियोरेटिकली कुछ भी होता है कि वो चार्जेस आप रिकवर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, बट मैं कह रहा हूँ एज पर लॉ, एज पर रूल, अगर आपने मुझे 7,500 का चेक दिया और वो चेक हो गया डिसऑनर और बैंक ने अगर कोई चार्जेस इम्पोज करे हैं, तो आई हैव अ राइट टू रिकवर दैट मनी फ्रॉम यू। तो अब मैं आपसे 7,500 प्लस 20 रुपीज
चार्जेस लूंगा। मेरे बैंक से कितने पैसे कटे? 7520, 7500 का तो चेक था, वो तो रिवर्स वही हुआ, 20 रुपए चार्जेस और इम्पोज हो गए। अगर ये नेक्स्ट लाइन में होता है, अलग से होता ना कि सिर्फ मतलब बैंक चार्ज, डिसऑनर चार्जेस, एज पर रूल आप उस बंदे से रिकवर कर सकते, एज पर रूल आप उस बंदे से रिकवर कर सकते हो। बट थियोरेटिकली मैं बता रहा हूँ, ये बैंक चार्जेस भी देखने को मिलते हैं कि हम अपना ही एक्सपेंस मान रहे होते हैं, बट एज पर रूल आप उससे, इसीलिए उसको डेबिट करें, क्योंकि भाई साहब आपकी गलती से वो चेक बाउंस हुआ है, वो मैं, मेरा तो 20 रुपये का नुकसान हो गया खामा खा, तो अब मैं आपसे लूंगा ना पैसे इस वजह से, इस वजह से। संजय टू बैंक 7520, क्लियर? कैश सेल टू डेट आउट ऑफ विच 60,000 बैंक, बैंक मतलब डिपॉजिटेड इन द बैंक, कैश सेल टू डेट 80,000, आउट ऑफ विच 60,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक। सामान बेचा, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या कैश टू सेल्स 80,000, फिर बैंक टू कैश 60,000, ठीक है, दिस प्लस दिस, और या फिर एक सिंगल एंट्री, कैश डेबिटेड, बैंक डेबिटेड टू सेल्स, 80,000 की सेल्स हैं, कैश में आपके पास बैंक, ठीक है ना। टेक्निकली बेटर ये दोनों होती हैं, नेट इम्पैक्ट दोनों का सेम है, या तो दो एंट्रीज पास होंगी, दिस प्लस दिस, कैश आया कितना 80, 80 आया, 60 चला गया उसी दिन, तो एंड में कैश कितना रहा आपके पास? आपके पास तो 20 रहा ना, मैं कह रहा हूँ नेट इम्पैक्ट भी कर सकते हैं और दो एंट्रीज भी पास कर सकते हैं, टेक्निकली बेटर, टेक्निकली बेटर दो एंट्रीज होती हैं, बट नेट इम्पैक्ट भी होता है 29, ये देखा ना, नेट इम्पैक्ट टू सेल्स, कैश में 20, बैंक में 60। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज मैंने आपको पहले हाईलाइट कर दी कि ऐसे पैसे आए, उसमें से कुछ बैंक में गए, तो नेट इम्पैक्ट भी होता है और स्प्लिट करके भी होती है, दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, तो आपको सामने रखनी है वो ट्रांजैक्शंस कि आपके स्कूल में वो क्या चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि स्प्लिट करके दिखाओ कि कॉन्ट्रा एंट्री अलग से दिखती है, अच्छा लगता है, कुछ कह रहे हैं कि नेट इम्पैक्ट तो वही है, ठीक है ना। सो प्लीज आपके स्कूल में क्या फॉलो हो रहा है वो आपको पता, बट दिस प्लस दिस, या तो ये दोनों या सिर्फ ये, समझ आई ना बात, पहले भी आ चुकी है, इंपॉर्टेंट है ये बात।